समर में नॉर्मली स्किन ऑयली चिपचिपी हो जाती है, इसके कारण जो डस्ट होता है आपके स्किन पे बैठ जाता है और जमकर उसके एक्ने भी हो सकते हैं। मैं आपसे फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, समर में बहुत आपको फ़ायदा देगा क्योंकि इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, आप ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, किसी भी टाइप की आपकी स्किन हो, आप इसे ट्राई कर सकते हो। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसको यूज़ करने से स्किन में जो डस्ट होती है डीपली क्लींस हो जाएगी और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी या बहुत ऑयली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको ट्राई करने के बाद आपको आपके स्किन पे असर 100% दिखेगा। वीडियो छोटा सा ही है, प्लीज़ एंड तक देखिए और मैं कहूँगी प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए। अगर आप 30 प्लस हो, 20 हो, 25 हो, 40 हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, आप इसे ट्राई कर सकते हो, या आप टीनेज में हो फिर भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। गर्मी की वजह से पसीना आ जाता है, उसकी वजह से जो पसीना होता है या डस्ट होती है हमारी स्किन पे चिपक जाती है, तो इस सिचुएशन में हमें ऐसे फेस पैक यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन से डर्ट निकाले, स्किन को हेल्दी रखे। तो आज जो फेस पैक मैं बनाने वाली हूँ, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बनाना, और बनाना यहाँ मैंने हाफ बनाना लिया है क्योंकि इतना इनफ है। और बनाना आपको एकदम पका हुआ लेना है, ना कि कच्चा, अच्छे से पका हुआ बनाना होना चाहिए। जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, इतना इनफ है हमारे फेस के लिए। और इसमें ऐड करने वाली हूँ हनी। हनी भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है, नेचुरल क्लींजर का काम भी करता है हनी, साथ में चमक लाता है, नेचुरल ग्लो, और जितनी भी डर्ट होती है अच्छे से रिमूव कर देता है। हनी 1 स्पून लेना है, छोटा चम्मच। और हम इसमें ऐड करने वाले हैं चने का आटा। जी, चने का आटा यूज़ करने से आपके वह फेस पे जितनी भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ये भी लगभग थोड़ा सा 1 स्पून आप ले सकते हो, थोड़ा सा लगभग 1 स्पून यहाँ मैंने चने का आटा लिया है। इसे अच्छे से स्मैश कर लेंगे हम, ताकि हमारा एक फेस पैक अच्छे से रेडी हो चुके। ओके, समर में नॉर्मली ऐसे फेस पैक ज़रूर ट्राई करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑयली नहीं रहेगी, डर्ट भी हो तो निकल जाएगी। नॉर्मली ऐसे फेस पैक आप रात को यूज़ किया करें सोने से पहले, जब आप अपना नाइट केयर स्किन केयर रूटीन करते हो तब आप ऐसे फेस पैक ट्राई करिए। बेसन का आटा एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, साथ ही में हनी भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नेचुरल ब्लीच करता है। और अगर आप इस तरीके से फेस पैक लगाओगे तो कोई ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाने की, इसमें सब हमें मिल जाता है, बाहर की फ्रूट क्रीम ये वो लगाने से अच्छा है आप ऐसे फेस पैक बनाइए और लगाइए, खासकर समर में बहुत बेनिफिशियल है ये, और हर टाइप की स्किन को ये सूट हो सकता है। अगर आपको हनी या कुछ सूट नहीं होता है, ड्राई स्किन है, बेसन का आटा सूट नहीं होता है, पैक सबको सूट करेगा क्योंकि इसमें है बनाना साथ में हनी और बेसन का आटा, तो कोई ड्राइनेस नहीं आएगा, ना ही ऑयलनेस आएगा, बहुत अच्छे से आपकी स्किन क्लीन हो जाएगी, चमकदार होगी और इसका रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। तो यहाँ हमारा फेस पैक अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे मैं आपको मेरे फेस पे लगा के दिखाती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम चमकने लगेगी या एकदम आप ब्राइट दिखोगे, गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्किन को डीपली क्लींस करता है ये फेस पैक। 15 या 20 मिनट्स आपकी स्किन पे इसे रखिए, बाद में इसे अच्छे से मसाज करके आप रिमूव कर सकते हो फेस वॉश से या टैप वाटर से। इसके हमेशा यूज़ से आपकी स्किन पर एक इसके हमेशा यूज़ से आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो आएगा। समर में बहुत बेनिफिट देगा ये फेस पैक, दिन भर की जितनी भी डस्ट गंदगी आपकी स्किन पे आपके चेहरे पे हो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। यहाँ मैं आपको फेस पैक कैसे लगाना है और कैसे आपको रिमूव करना है इसकी प्रोसेस में बताऊंगी। नॉर्मली जैसे फेस पैक लगाते हैं वैसे लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको ये नॉर्मल फेस पैक जैसे नहीं रखना है, क्योंकि इसकी एक लेयर सूखने के बाद आपको थोड़ा सा इसे रब करना है और एकदम हल्के हाथों से आपको रब करना है, ताकि आपके चेहरे पे रिंकल्स ना आए। कभी भी आप फेस पैक हो, कोई रिमूव करने वाला फेस पैक हो हाथ से, तो उसे एकदम सॉफ्टली रब करिए, ताकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है खासकर आईज़ के साइड की,
तो एकदम सॉफ्टली इसे रब करिए ताकि इसमें झुर्रियाँ ना पड़े, रिंकल्स ना आ जाए। सॉफ्टली आपको मसाज देना है, बनाना होने के कारण अच्छे से आप मसाज दे सकते हो, कोई एक्स्ट्रा मिल्क या पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मसाज दीजिए और 20 मिनट्स इसे अच्छे से सूखने दीजिए, बाद में आप इसे फेस वॉश कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आप फेस वॉश मीन्स सोप या कोई फेस वॉश मत यूज़ करिए, नॉर्मली टैप वाटर से वॉश कर लीजिए। और यहाँ मैं ये जो कर रही हूँ तो इसकी वजह से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। नॉर्मली हम जब आइस थेरेपी लेते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं, तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, स्किन फ्रेश हो जाती है। और आप भी इसे ट्राई करिए, आपको भी ज़रूर इफ़ेक्ट मिलेगा। यहाँ मैं फेस वॉश मैंने कर लिया है, और ऐसा नहीं कि वन टाइम यूज़ में आपकी स्किन एकदम गोरी हो जाएगी, चमकने लगेगी, नहीं, लेकिन आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से फ्रेश हुई है, क्लीन हुई है, और आपको खुद को इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। हमेशा यूज़ से 100% इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। समर में खासकर इसे ज़रूर ट्राई करिए। वेलकम बैक, आई होप ये रेमेडी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। फेस पैक बहुत इफेक्टिव है, ज़रूर ट्राई करना। सर में कुछ ऐसे फेस पैक ज़रूर ट्राई करते रहिए, इसकी वजह से आपकी स्किन की जो रंगत है, जो निखार है, जो डलनेस है, पूरी तरीके से चली जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।